मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित 200 एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण, साथ ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किए जा रहे 600 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत जिलों में सभी तैयारियां की जा रही हैं और लगातार मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। केयर फंड से प्राप्त 200 एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का आज लोकार्पण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से, और वो आज से फंक्शनल हो गया है। और इसकी जो सुविधा है, सभी हमारे जो अस्पताल में अगर कोई एडमिट होता है तो उसको इसका लाभ मिलेगा। प्रेमजी फाउंडेशन से हम लोगों को एक डोनेट किया गया था 600 एलपीएम प्लांट, उसका आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और उसका निर्माण आज से शुरू हो गया है। वहाँ से और दोनों मिलाकर के 800 एलपीएम पर मिनट का, 800 लीटर पर मिनट का हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है। अपने कुमाऊं भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, साथ ही कई विषयों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इसलिए पार्टी की भावनाओं को जनता के सामने रखने के लिए प्रचार पर हैं। उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण करने के साथ ही रक्तदान करने की भी अपील की है। हमारी पार्टी संगठन के लोग जो भी कार्यक्रम निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो मेरी इस समय विशेष मेरी एक हॉबी भी रही है कि व्यापक वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं, और ब्लड डोनेशन, ये दो कार्यक्रम। और इस समय मैं जहाँ भी जाता हूँ तो कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, या मैं कहूँ कि ब्लड डोनेट करके मेरा स्वागत करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री जी का रहेगा, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हमेशा, जब भी चुनाव होते हैं और सरकार होती है तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है। और हमारे नहीं ऐसा होता है ना कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जिसने सोने का ढोंग रचा हुआ हो उनको कैसे जगाया जा सकता है। उनको भी पता है इसके टेंडर हो चुके हैं, बॉन्ड बन चुके हैं, और अब बरसात में पेंटिंग का काम नहीं हो सकता है। ये कांग्रेसियों की छिछहट है। ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सरहद पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए 11वीं गढ़वाल राइफल के 23 वर्षीय मनदीप सिंह शहीद हो गए। बता दें कि मनदीप 11 मार्च 2018 को लैंसडाउन में सेना में भर्ती हुए थे। मनदीप सिंह पौड़ी जिले के पोखरा ब्लॉक के ग्राम सकनोली के निवासी हैं। शहीद की खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक का माहौल है। मनदीप के घर पर उसके माता पिता को सांत्वना देने के लिए कई लोग पहुँच रहे हैं। गुलमर्ग में 11वीं गढ़वाल राइफल के जवान मनदीप नेगी, जो चौबट्टाखाल विधानसभा अंतर्गत सकनोली गांव पोखड़ा के थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने इस देश की रक्षा और सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी, और मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। टिहरी जिले के भणियाणा गांव में मवेशियों के लिए चारा लेने गई मां बेटी ने जंगलों से जंगली मशरूम खा लिया, जिससे दोनों की तबीयत खराब होने लगी। गांव वालों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका डॉक्टरों द्वारा इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इन्होंने जंगल से बरसाती मशरूम खाए, जो यहाँ पहाड़ों में काफी खाई जाती है। शायद जो जंगली मशरूम होते हैं उसमें कई जहरीले मशरूम भी होते हैं, तो जिसको खाने से वो डिपेंड करते हैं, कई तरीके का जहर होता है, अलग अलग स्पीशीज होती है मशरूम्स की। तो जो इन्होंने कौन सा खाया है तो बताना बहुत मुश्किल है। इन्होंने खाने में सब्जी बना के अपना खा लिया, फिर इनको रात में उल्टी, दर्द, पेट में दर्द, ये सब शुरू हुआ, जिसके बाद ये हमारे इमरजेंसी में आए, इनको बेसिक ट्रीटमेंट दे के फिर इनको ICU में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। फिलहाल ये अभी ठीक है दोनों, अभी इनको हम करीब 60 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। बाजपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। बाजपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 मुंडिया पिस्तौर के सभासद प्रवीण जहां के पति निसार अहमद ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित की। निसार अहमद ने बाजपुर नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। निसार अहमद ने ये भी बताया कि बाजपुर नगर प्रशासन ने मीटिंग हॉल व गेस्ट रूम के सौंदर्यीकरण का कार्य कराने के लिए बिना टेंडर प्रक्रिया के 9 लाख रुपए का भुगतान कर दिया।
जबकि नगर पालिका प्रशासन को 2 से 2.5 लाख रुपए तक का बिना टेंडर प्रक्रिया के कार्य कराने की छूट दी गई है। ऐसे और भी आरोपों को लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। मैं एक सूचना के अधिकार पर हमने नगर पालिका से सूचना मांगी थी और उसमें जो है हमें सूचना मिल गई और वो सूचना में ये था कि भाई सोडियम हाइपोक्लोराइड जो था वो पिछले साल 2020 में ख़रीदा गया था, जो कि नगर के कोरोना से बचाने के लिए छिड़काव करना था। और वो हमने जब उसको सूचना मांगी तो सूचना में उसमें घोटाला पाया गया, जिसमें क्या किलाखेड़े में अधिशासी अधिकारी यही थे जगदीश चंद्रा और बाजपुर में भी जगदीश चंद्रा ही थे। और किलाखेड़े में एक ही फर्म से एक ही डेट पे 27/3/2020 में खरीद करके लाए। किलाखेड़े में उसका रेट जो है 38 रुपये लीटर है और बाजपुर में उसी का रेट जो है 58 रुपये लीटर है। रामनगर के कोसी बैराज क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों के लोगों की हर रोज भारी संख्या में भीड़ जमा हो रही है। कई लोग कोसी नदी में नहाने भी जा रहे हैं और लोगों में कोसी में तैनात कर्मचारियों का डर भी नहीं है, जिस कारण कोतवाली के एसएसआई जयपाल सिंह चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दर्जनों लोगों को हिरासत में लेते हुए उनका चालान कर जुर्माना वसूला गया। वहीं उन्होंने मानसून के दौरान नदी में प्रवेश न करने व कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए। ये आज कोसी बैराज में काफ़ी लोग आ गए थे, काफ़ी भीड़ हो गई थी, जिनमें कुछ लोगों को जो है हटाया गया, समझाया गया कि लॉकडाउन कोरोना संक्रमण चल रहा है अभी भी और इसको लेके जो है बेवजह भीड़ ना करें, लेकिन जो लोग अन्यथा बेवजह घूमते हुए पाए गए उनके खिलाफ़ जो है महामारी एक्ट में चलान किए गए और जो कुछ गाड़ियाँ जो है जो गाड़ियाँ छोड़ कर भाग गए उनको कब्जे में लिया गया। तहसीलदार शिप्रा वर्मा ने तहसील क्षेत्र कंडी सौड़ में ऑल वेदर रोड का निरीक्षण किया। वहीं रिखेली खाला में बन रहे डंपिंग जोन में मानकों के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से कार्य न होने को लेकर कंपनी प्रबंधन को फटकार भी लगाई और जल्द डंपिंग जोन के बाहर लगने वाले जरूरी सुरक्षा उपाय, पानी की निकासी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बेरीनाग में बीती शाम 36 वर्षीय एसएसबी में तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश बोरा के झलतोला कृत्रिम झील में नहाने के दौरान डूबने की सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद लगातार बेरीनाग पुलिस और एसडीआरएफ और प्रशासन के द्वारा जवान की खोजबीन की गई। रात्रि 12 बजे जवान का झील के अंदर से शव बरामद किया गया। पुलिस ने मृतक जवान का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। चारधाम यात्रा की तैयारियों को देखते हुए चमोली के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने बद्रीनाथ धाम का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण करने के दौरान डीएम चमोली ने लामबगड़ स्लाइड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं सुचारू मिली। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखरा ब्लॉक में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज तहसील सतपुरी के विकास खंड पोखरा के ग्राम पोखंड निवासी हरीश कुमार पुत्र श्री रेवलीदास उम्र लगभग 55 वर्ष के ग्राम जंजड़ी के समीप 11 केवी की लाइन की चपेट में आने के कारण मृत्यु हो गई है। यह घटना आज सुबह लगभग 7 बजे की है। उनकी बॉडी को हमने पोस्टमार्टम हेतु कोटद्वार भेज दिया। एवरेस्ट फतह कर वापस लौटे पिथौरागढ़ जिले के युवा होनहार पर्वतारोही मनीष कसनियाल का आज जिला पंचायत सभागार में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मनीष कसनियाल को जिलाधिकारी आनंद स्वरूप व पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न संगठनों के लोगों ने मनीष की उपलब्धि पर फूल माला, पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करते हुए मनीष को बधाई दी है। 27 तारीख को किरण रिजू जी द्वारा हरी झंडी दिखा के मिशन में भेजा गया था। 28 तारीख को हम लोग नेपाल पहुँचे थे। 1 तारीख को हम लोग नेपाल में अपना पूरा टेस्ट वगैरह करा के 6 तारीख को हम लोग लुकला पहुँचे थे। तो लुकला से फिर हमारी जो जर्नी थी, पैदल यात्रा हमारी शुरू हुई थी। उसके बाद 13 तारीख को 12 तारीख को हम लोग लोबोचे पहुँचे।
जिसको लोगोचे में भी मैंने एज ए टीम लीडर क्लाइंबिंग करी और मेरे साथ 14 लोगों ने उस पीक को क्लाइंब किया। जब मैं ऊपर सुबह 5 बजे पहुंचा तो सूरज की किरण पहली बार एवरेस्ट पर पड़ रही थी, वो अपने आप में एक अलग पल था। और शब्दों में बयां करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जब एवरेस्ट के टॉप में होते हैं, जब आपके सपने पूरे हो जाते हैं, तो मतलब आपको कैसा लगता है?